निर्भया गैंग रेप केस के दोषियों की फांसी पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक टाली। 1 फरवरी की सुबह होनी थी फांसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आर्थिक सर्वे पेश किया। साल 2020-21 के लिए जीडीपी का अनुमान 6 से 6.5% किया। विवादित नागरिकता कानून के खिलाफ संसद भवन में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने विपक्षी दलों का प्रदर्शन। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी हंगामा। जामिया फायरिंग केस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की भूमिका की जांच की मांग। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। तनख्वाह में बढ़ोतरी समेत तमाम मांगों को लेकर लाखों बैंक कर्मचारी 2 दिनों की हड़ताल पर गए। सरकारी बैंकों में कामकाज ठप हुआ। नागरिकता कानून विरोधी नाटक का मंचन करवाने पर कर्नाटक के स्कूल की 2 महिला टीचर्स गिरफ्तार। देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। महिला के साथ धक्का मुक्की के मामले में बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस दुनिया के 25 देशों में फैला। अब तक 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए। और भारत न्यूजीलैंड के बीच 4th T20 मुकाबला फिर सुपर ओवर में पहुंचा। रोमांचक मुकाबले में भारत ने फिर जीत दर्ज की।